आप शायद भूल बैठे कि यहां मैं भी तो हूं, इस जमीन और आसमान के दरमियान मैं भी तो हूं। तो इसके विस्तार मैं समझता हूं कि ये सरजमीन जो बहुत दिनों से फरामोश की जा चुकी थी, उसको ताजा करने वालों में हमारे कुछ बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ गुलबर्गा में, न सिर्फ बीदर में, न सिर्फ रियासत कर्नाटक में, बल्कि आलम सतह पर अपनी हैसियत को दर्ज करवाने में कामयाबी हासिल की है और बहुत ही अजीम शान मकाम और मर्तबा हासिल करने में कामयाबी हासिल कर पाए। सुलेमान खतीब का एक नाम बहुत ऊपर था, तगनी जबान से उनका ताल्लुक था, तगनी जबान में वो शायरी करते थे, वो भी चिंतुप्पा के ही संत थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात कहने में बड़ा महसूस होता है कि मेरे भी वालिद बुजुर्गवार जिनकी औलाद होने का मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ अता फरमाया है, देसी बुखारी और तहमीद फरमाते, सैयद अहमद सईद बुखारी देसी आपका तखल्लुस था, उनका भी ताल्लुक बीदर जिले की सरजमीन से था। जमाने बीते, अदवार गुजरे, लोगों ने देसी बुखारी के नाम को फरामोश किया, अस्पात भी थे वालिद बुजुर्गवार की पर्दा नशीनी गोशा नशीनी थे, उन्हें जिंदगी की रोजमर्रा जो मशगूलियां थी उनसे दूर रखा, बहुत देर तक लोग किसी को याद नहीं रख पाते, नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उनको भी भूल, उनको भी लोग भूल गए। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं ममनून हूं हमारे काजी दादी साहब के एक बहुत ही कबीर मजबूर के जरिए से एक बिल्कुल फरामोश की गई शख्सियत को अपने मखाने के जरिए से, अपने एक मजमून के जरिए से देसी बुखारी साहब के नाम को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। मैं आपका शुक्र करता हूं। बारह मौजू से हटके मैं ऐसा रहा हूं ताजा था, लेकिन ये बात मौजू से जुड़ी हुई है। उसी सरजमीन से डॉक्टर मकबूल अहमद मकबूल का भी ताल्लुक है, और फिर वो जो नुकूश, वो जो नुकूश पाप हमारे असलाम ने छोड़े थे, वो उनके लिए रहमाए राह बने, रहमाए राह बने, उनको इस फन में दिलचस्पी लेने का बाइस बने। हालांकि डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, आपका ताल्लुक है तिजारती घराने से, ताजिर का ये मामला होता है कि भाई क्या फायदे की बात है और क्या नुकसान की बात, काम वो करना चाहिए जिसमें फायदा हो और फिर उस काम से परहेज करना चाहिए जिसमें नुकसान होता हो। तो ताजिर घराने से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुश्किल ही होती है कि शेर व अदब उनके बस की बात नहीं होती। तो भी मैं बहुत करीब से जानता हूं डॉक्टर मकबूल अहमद मकबूल, उनका माहौल, उनका घराना, उनका रहन सहन, उनका अगरचे के माशी एतबार से कोई मसला उनके लिए नहीं था, कोई दुश्मनी उनके हाय नहीं थी, सत्य राह नहीं थी, लेकिन अदब में कोशिश करना और अपना एक मुनफरिद मकाम बनाना, ये बड़ी कमाल की बात, बहुत कमाल की बात। ताहम उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा, शुरू में वो भी तिजारत करते रहे, कारोबार भी करते रहे, तालीम भी उन्होंने हासिल की, न सिर्फ तालीम हासिल की, न सिर्फ ग्रेजुएशन तक उन्होंने तालीम हासिल की बल्कि इससे आगे बढ़कर फिर उसमें तहकीक को तजस्सुस का काम भी उन्होंने किया, तहकीक के जरिए से उन्होंने एक मरतबा और मकाम भी हासिल किया, अपने पैरों पर खुद खड़ा होने की कोशिश की, अपने खानदान को मुस्तहकम भी बनाया और फिर जमाने में अपने आप को रूशनास करवाया, फिर अपनी हैसियत को बनवाया।
इसके लिए मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजाता हूँ और डॉक्टर साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो मुसलसल सही अपने साथ बांध रखी है अल्लाह ताला ने उसका अजर अजीम आपको अता फरमाया। और इसी के नतीजे में ये पहली किताब नहीं है, तीसरी किताब है ये, इससे पेशतर आपके मजमूए कलाम आ चुके हैं। तनकीद की दुनिया में भी हमने काम किया। अब साहब मैं बहुत मामूली सा आदमी, मुझे पढ़ने लिखने का भी सही शऊर नहीं है, अब मैं वो असनाफ शायरी से कहां बात कर सकता, उस बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अरे भाई हशमत मादरा खानी साहब ने एक बात कही, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अंग्रेजी मुफक्किर का ख्याल अभी आपकी तभी सुनते हुए जहन में आया, उसने कहा poetry is nothing, poetry is nothing but a spontaneous overflow of powerful feelings. शायरी इसके अलावा कुछ नहीं है कि आदमी के शरीर तक एहसास जो होते हैं, कल्बी एहसास, जहनी एहसास, उसकी फिक्र जो होती है, उसका इस रवानी के साथ बेपनाह रवानी के साथ उसका इजहार कर देना और खताब पर उसको बिखेर देना होती है। तो इसके अलावा शायरी किसी भी विशेष है, हम किसी भी अंदाज से हो। अब कहां उरूस की बात, कहां वो जरा औजान की बात, कहां वो बहर की बात। बहुत सारे शोरा ने ये समझ के ही शायरी को तर्क कर दिया कि वो बहर बहर का मामला छोड़ दीजिए, हमको अपने दिल की जो बात कहनी है वो हम कह देते। तो रहे जैसे बुखारी साहब का एक शेर अकबर भाई की अगर इजाजत हो तो मैं खास करूं, जज्बाए शायरी अल्लाह की इबादत से बढ़ो है। देसी बुखारी साहब तहखानी जबान में शायरी करते थे, तहखानी और दगरी में भी फर्क है। दगरी जबान में यह हमारा जो लगन का इलाका है हैदराबाद से जुड़ा हुआ, ये दगरी जबान बोली जाती है। तहखानी जबान वो है जो सिर्फ और सिर्फ देहातों में बोली जाती है और किसान की जबान होती है, आम बोलचाल की जबान होती है। तो उस जबान में बातचीत के जो मवेरे होते हैं उन मवेरों का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल काम होता था। आपने इस मुश्किल फन को इख्तियार किया और उसमें कमा उनको कामयाबी भी मैसर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कहा खैर वो जज्बे शायरी अल्लाह की इनायत से बढ़को है, शेर क्या है तो शायर की इबादत से बढ़को है। फिर आपने कहा कि जितने शायरा है लिखते सो आई बई शही, ये जितने शायर अदबी सब ये जितने शायरा है लिखते सो आई बई शही, इन्हों कुछ नहीं लिखे तो अदब की बड़ी खिदमत से बढ़ो। तो ये हकीकत जमाने की आ गई हकीकत, वो शायर सुनते हैं हर कसूर का सला दिख रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है और वही बेनती से इस्तेमाल कर रहा है। ये जितने शायरा है लिखते सो आई भाई से, इन्हों कुछ नहीं लिखे तो अदब की बड़ी खिदमत से बोलते हैं। अगर ये लोग नहीं लिखेंगे तो अदब जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह, ऐसा आपका और बहुत ज्यादा चूंकि देर भी हो गई है। फिर वैसे ये पहना तो नहीं चाहिए थोड़ी सी देरी से है, चार पांच दिन से कुछ नासा मैं हाजिर ही नहीं हो सकता था, मसला नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब से हमारा तालुक ऐसा जुड़ा हुआ है, हम पता तो है ही है लेकिन बचपन से आपके साथ में हमारी वापस लगी रही है। तो इस वजह से मैं बहुत ही अपने आप को तैयार करके क्या कहते हैं उम्मान कवर क्या करता है कितनी देर कितना क्या करता है एक चबा आपने कहा
आदमी ये एक चौराहे कहा